93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। छह दोस्त घूमने निकले एक हफ्ते की वेकेशन पर, कैंपिंग और ट्रैकिंग करने। शहर और बस्ती से काफी दूर निकल आए थे सब। मोबाइल के नेटवर्क किसी के फोन में नहीं आ रहे थे, ना मैप चल रहा था और ना जीपीएस का कुछ अता पता था। पहाड़ के बाद जाकर अब जंगल के रास्ते भी सुनसान हो चुके थे। अंधेरा भी थोड़ी देर में हो जाना था कि जब रास्ते के मोड़ पर एक बोर्ड पर चिपकाया हुआ मैप दिखाई दिया। 2 मिनट को गाड़ी रोककर वो मैप उस बोर्ड से निकालकर उन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और पीछे बैठी 2 लड़कियां जब मैप पे रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तब अचानक ड्राइव करते हुए समीर के पास बैठा जतिन चिल्लाया, अबे पागल हो गया क्या? गाड़ी ऐसे क्यों रोकी तूने? समीर बेहद हैरान सा गाड़ी की स्टीयरिंग को देखता हुआ ब्रेक्स और एक्सेलरेटर पे पैर मारते और चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए बोला, यार ब्रेक नहीं मारी मैंने, पता नहीं शायद कुछ गड़बड़ है, दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और जतिन ने फिर से कहा, समीर तेरा हर बार का नाटक है, कहाँ कहाँ से खटारा गाड़ियां जुगाड़ करता है तू, हर ट्रिप पर यही नाटक होता है हर बार। एक के बाद एक सबके सब गाड़ी से नीचे उतरे और समीर बहस होने लगी। समीर खड़े खड़े सबको समझा रहा था कि जब अचानक सब लोग अगर कार के बाहर खड़े थे तो फिर ये हॉर्न कैसे बजा। यही सोचकर समीर तुरंत कार की ओर दौड़ा और अपनी सीट की खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि स्टीयरिंग पे हॉर्न एक ओर से दबा हुआ था। अचानक खाली गाड़ी में वायरिंग की प्रॉब्लम शायद हो सकती है, लेकिन हॉर्न का अपने आप दबना। समीर ने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने जिधर से हॉर्न दबा हुआ था उसके उल्टी तरफ हल्के हाथ से हॉर्न को दबाया तो हॉर्न बंद हो गया। जरूर ढीला हो गया होगा हॉर्न, इसलिए ऐसा हो रहा था। हॉर्न को बंद करके समीर पलटा अपने दोस्तों की ओर और उसने कहा कि अरे सचमुच खटारा है यार इस बार, तो मतलब क्या बताऊं। समीर अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया जब दोबारा से हॉर्न बजने लगा। बाकी सब तो ठीक ही थे, लेकिन समीर ने अपनी आंखों से जो अभी अभी देखा था उसकी वजह से इस वक्त घबराहट हर गुजरते पल के साथ बढ़ते जा रही थी। उसने सबसे कहा कि साथ मिलकर गाड़ी को धक्का मारने में मदद करें। सबने वही किया, गाड़ी को धक्का मारते मारते आगे बढ़ाते रहे जब 6 दोस्तों में से एक के बाद एक रेखा और सुहानी ने थककर धक्का मारना बंद कर दिया, लेकिन गाड़ी आराम से आगे बढ़ती रही। बचे हुए 4 लड़कों में से एक के बाद एक 3 लोगों ने भी थक के जरा सा हाथ खींचा, लेकिन फिर भी गाड़ी आराम से अकेले समीर धकेले जा रहा था जब जतिन ने पीछे से आवाज लगाई, समीर रुक जा, समीर रुक जा। आवाज सुनकर समीर ने रुक कर पीछे देखा तो सारे दोस्त वहीं खड़े थे। हैरानी से पलटकर उसने वापस गाड़ी की ओर देखा तो गाड़ी अपने आप उस जंगल में आराम से आगे की ओर चलती जा रही थी। आखिरकार गाड़ी को धक्का देते देते सारे दोस्त उस डाक बंगलों तक पहुंचे जहां उनके जाने की बात थी।
लेकिन वहां पहुंचकर सबने पाया कि वो तो पुराना खंडहर था। दीवारें टूटी फूटी, छत कहीं भी नहीं और चारों ओर सांप बिच्छू रेंग रहे थे। गाड़ी किनारे लगा के सब बैठे डाक बंगलों के अंदर ही अपने अपने टेंट्स लगा के और बाहर कैंप फायर जलाकर सब बैठकर मस्ती कर रहे थे, जब चारों ओर फैले हुए सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आहट साफ साफ सुनाई देने लगी और वो कदमों की आहट उन सब के पास आकर रुकी और छह के छह दोस्तों को एक आवाज साफ सुनाई दी, यहां आकर लाओगे तो कीमत देनी पड़ेगी। यह आवाज सुनते ही सब के सब समझ गए थे कि कम से कम इस डाक बंगलों के अंदर तो नहीं रुकना है। सबने तुरंत रात के अंधेरे में अपने अपने टेंट्स डाक बंगलों के बाहर लगवा लिए, लेकिन चाहे कितना कुछ कर लेते, इतनी देर से इतना सब कुछ होने के बाद सुकून तो था ही नहीं। सब लोग काफी देर तक बातें करते हुए जागते रहे और फिर सोने गए। समीर अपने टेंट में अपनी गर्लफ्रेंड सुहानी के साथ था, जतिन की बहन सुहानी। समीर गहरी नींद में था जब उसे अजीब सी हाथापाई की आवाजें आई। वो करवट बदल कर लेट गया, लेकिन समीर के कानों में आती आवाजें अब थोड़ी बदल गई थी। ऐसा साफ समझ आ रहा था कि अब सिर्फ ऐसी वैसी आवाजें नहीं, बल्कि वो आवाजें थी कि जहां मिट्टी खोदकर कुछ दफन किया जा रहा था। अब तक आती हुई हाथापाई और बाकी सारी आवाजें बंद हो चुकी थी और कुछ अलग किस्म की आवाजें आ रही थी। समीर की आंख तो खुली, लेकिन जितनी देर में समीर उठा उतनी देर में उसने आती हुई आवाजों से साफ समझ लिया कि कुछ छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गड़बड़ थी, क्योंकि आवाजें जो थी उसे साफ समझ आ गई थी कि किसी ने मिट्टी में गड्ढा खोदकर कुछ दफन किया है। समीर उठा, पास में सुहानी को होना चाहिए था लेकिन वो वहां नहीं थी, शायद जतिन के पास यानी अपने भाई के पास होगी। यही सोचकर समीर उठा जरूर, लेकिन दिल ही दिल में उसे डर खाए जा रहा था। और टेंट से निकलते ही उसने अपने टेंट के थोड़ा सा आगे एक छोटा सा मिट्टी का टीला देखा, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोदकर वापस ठीक किया हो। समीर डर, हैरानी और खौफ सबके मिले जुले हाल से उठकर उसी टीले की ओर दौड़ा और टीले तक जाते ही किसी जानवर की तरह उस टीले को हाथों से खोदने लगा और खोदते खोदते आखिरकार उसे सुहानी के दफन की हुई ताजी लाश दिखाई दी। समीर बेहद प्यार करता था सुहानी से। लाश देखते ही उसकी चीख निकल गई और उसकी चीख सुनकर सब के सब टेंट से निकल कर आए और बाहर आकर आधी जमीन में दफन अपनी बहन सुहानी की लाश देखकर जतिन खुद पर काबू नहीं रख पाया और जतिन ने समीर के सर पर एक भारी लकड़ी से जोरदार वार करके उसे भी वहीं मार डाला। छह दोस्तों में अब सिर्फ चार बचे थे। जब सर से गर्मी और गुस्सा उतरा तो चारों ओर फैला खून देखकर जतिन को समझ आया कि ये उसने एक पल के गुस्से में क्या कर डाला। बाकी तीनों दोस्तों ने बहुत कोशिश की रोकने की जतिन को, लेकिन जतिन को रोक पाना मुश्किल था,
कोई सबूत नहीं था कि समीर ने सुहानी को मारा था और जतिन ने समीर को मारा। इसके गवाह उसके दोस्त तो थे और उस लकड़ी के लट पे उसकी उंगलियों के निशान भी। जतिन ने तुरंत अपने दोस्तों से जितनी हो सके उतनी लकड़ियां बटोर लाने को कहा और आखिरकार लकड़ियों के दो बड़े बड़े गट्ठर बना के समीर और सुहानी दोनों की लाशें उस पर डालकर जतिन ने उनकी लाशें जला दी। लाशें जल जाए इसके बाद वो वहां से निकले। इस इंतजार में खड़े ही थे सब लोग जब अचानक से ग्रुप में बचे हुए चार लोगों में से आकाश अपने आप खिसकता हुआ पास में बने तालाब की ओर खींचा चला जा रहा था। जतिन कुछ दूर तक उसे रोकने और बचाने को उसके पीछे पीछे गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तेजी से आकाश को पानी में घसीटा गया था वो किसी इंसान के बस में नहीं था। जतिन दूर से ही देख पा रहा था कैसे आकाश कोशिशें कर रहा था खुद को बचाने की लेकिन कोई फायदा नहीं था। आखिरकार तालाब के उस ठहरे हुए पानी में आकाश की लाश पानी की सतह पर उभर आई। जतिन के साथ अब सिर्फ रेखा और विनय बचे थे। तीनों ने सोचा सुबह तक आसपास साथ साथ रहने में ही भलाई है, एक भी कोई अलग थलग पड़ा तो पता नहीं अब क्या हो। दो टेंट्स को मिलाकर एक बड़ा टेंट बना के तीनों उसी में बैठे रहे काफी देर तक जब तीनों ने एक साथ सुना, सुहानी की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। जतिन एक झटके से उठ के खड़ा हो गया अपनी मरी हुई बहन को बचाने के लिए। जब रेखा और विनय दोनों ने एक साथ उसे पकड़ के रोका और चिल्ला के विनय ने कहा, जतिन तू पागल हो गया क्या? सुहानी मर चुकी है, अभी अभी तूने खुद अपने हाथों से उसे जलाया था, खुद को संभाल, बाहर निकलेगा तो तू बचेगा नहीं भाई, तू बचेगा नहीं। जतिन ने उनकी एक नहीं सुनी और विनय के हाथ में मैप पकड़ाते हुए बस इतना ही कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो यहां से बाहर जाने का रास्ता इस मैप में है, यही मैप शायद तुम्हारी जिंदगी बचा पाएगा। इतना कहके जतिन जबरदस्ती अपना हाथ छोड़ाकर टेंट से निकल गया सुहानी को पुकारता हुआ, सुहानी 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 सुहानी। विनय और रेखा डरे सहमे हुए टेंट के अंदर ही थे जब एक बार फिर से सूखे पत्तों पर चलता हुआ कोई उनके टेंट के करीब तक आया और कहा, कहा था ना यहां आकर लाओगे तो कीमत देनी पड़ेगी। ये बात खत्म हुई और एक चीख जंगल में गूंजी और एक कोहनी से कटा हुआ हाथ उनके टेंट के अंदर किसी ने फेंका। और से देखा तो हाथ की कलाई पे बंधे ब्रेसलेट पर नाम लिखा था, जतिन। रेखा और विनय अपनी सांस भी धीमे धीमे ले रहे थे कि कहीं सांस की आवाज से मौत उन्हें ढूंढ न ले। ऐसे ही जागते हुए आंखों आंखों में रात कटी। सवेरा हुआ तो दोनों डरे डरे टेंट से बाहर निकले। विनय ने सामने पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और दोनों ने वापस डाक बंगलों की ओर चलना शुरू किया। एक ओर अभी भी हल्की हल्की आग में जलती हुई समीर और सुहानी की दो चिताएं थी, सामने तालाब के किनारे लगी हुई आकाश की लाश थी जिस पर कौवे बैठे हुए उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे और कुछ ही दूरी पर जतिन की टुकड़ों में कटी हुई लाश थी। दोनों को पता था कि अगर रुके रहे तो अगली बारी उन्हीं की थी। भाग
भागते भागते थोड़ी ही दूरी पे जब डाक बंगलों पे पहुंचे तो देखा जो डाक बंगलों कल रात टूटा फूटा खंडहर जैसा था वो अब नया नवेला चमकता हुआ था। अंदर बाहर काफी लोग भी थे। उनकी गाड़ी वहीं किनारे पर खड़ी थी और चाबी लगी हुई थी। विनय की जेब में मैप था ही। विनय गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था जब एक मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। आई होप यू एंजॉयड योर स्टे सर। विनय और रेखा दोनों ने पलट के देखा तो एक आदमी वेटर की ड्रेस में था और बड़े अदब से मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। विनय और रेखा उसका चेहरा देखते ही रह गए क्योंकि उसका चेहरा जतिन से मिल रहा था। उसने आगे कहा, सर आप 6 लोग आए थे और जा सिर्फ एक आप दो लोग ही वापस जा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, रास्ता याद ही होगा आपको और रास्ते में मैप वापस उसी बोर्ड पर लगा दीजिएगा जहां से आप लोगों ने उतारा था। हैव अ सेफ ट्रिप सर एंड मैम आप दोबारा जल्दी आइएगा। विनय जानता था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उसने सीधे सीधे गाड़ी गियर में डाली और गाड़ी भगा दी। पहाड़ी रास्ता वो भी सुनसान, इतना सब हो ही चुका था। रेखा तो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और रोई जा रही थी। विनय भी कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप गाड़ी चलाए जा रहा था। वही मोड़ जहां आते वक्त उनकी गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी, उसी मोड़ पर अब दोबारा अचानक से ब्रेक्स लगी और झटके की वजह से रेखा सामने विंडस्क्रीन को तोड़ती हुई कार के सामने जा गिरी और गाड़ी भी रुकने से पहले रेखा को कुचल चुकी थी। विनय तुरंत गाड़ी से उतरा। उसने रेखा को देखा, आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई नहीं था। विनय ने लाश वापस गाड़ी में नहीं रखी, बस वहां से तुरंत निकल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे वही बोर्ड दिखाई दिया। उसने मैप पर तुरंत बोर्ड को लगाया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर को निकल पड़ा। वापस पहुंचकर कई लोगों के कई सवालों के जवाब देने थे उसे। ऐसे कई किस्से हैं उस डाक बंगलों के, लेकिन हर बार वही एक जिंदा लौटता है जो उस मैप को बोर्ड पर वापस लगाता है। जाने उस मैप में कौन सी दुनिया में आने और जाने का नक्शा बना है। नक्शा बना है, नक्शा बना है। मैं हूं प्रवीण, मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी। एक कहानी ऐसी भी ऐसी। रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।